अरे बच्चों, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि किस प्रकार से त्रुटियां जो है जोड़ में और घटाने में जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसी जाती हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि गुणा और भागा में किस प्रकार से त्रुटियां जाती हैं। गुणा में त्रुटि का संचरण, गुणा में त्रुटि का संचरण, ये तीसरा केस हो गया हमें। पहला जोड़ का, दूसरा घटाने का मैं आपको बता चुका हूँ। और ये तीसरा माना y बराबर a गुणा b है और a जो है उसमें त्रुटि है a प्लस माइनस डेल्टा a की। और इसी प्रकार से बच्चों बी में त्रुटि है मान लिया डेल्टा बी की और इस कारण वाई में जो त्रुटि है वो डेल्टा वाई की आ गई। तो हमें बताना है व्हाट इज दिस डेल्टा वाई, कैसे निकालेंगे। ए में हमारे को पता है त्रुटि डेल्टा ए की है, बी में त्रुटि डेल्टा बी की है। ये त्रुटि कैसे आई है ये आपको पहले बताया कि मापन में कुछ ना कुछ अनिश्चितता जरूर होती है, उसी अनिश्चितता को हम त्रुटि के रूप में पहचानते हैं। चलिए देखिए, इसमें से अगर मैं वाई कॉमन ले लूँ बच्चों तो यहाँ 1 प्लस डेल्टा वाई बट्टे वाई होगा। जिस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं बाहर उसका डिवाइड दोनों में करते हैं। मैंने वाई ले लिया तो इसमें भी वाई का भागा दूंगा, इसमें भी वाई का भागा दूंगा तो वाई बन जा वाई ऐसे एक आ जाएगा और इसमें भागा दूंगा तो ऐसे ही दिखती है। इसी प्रकार से यहाँ अगर मैं ए कॉमन लूंगा तो यहाँ 1 प्लस माइनस और यहाँ हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। फिर इसी प्रकार से यहाँ मैंने बी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बच्चे। अब देखो क्योंकि वाई बराबर ए गुणा बी है इसलिए वाई इससे ए और बी कट जाएंगे तो यू हैव 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई इजिकल टू। ये दो ब्रैकेट है। अब ये दो ब्रैकेट्स को कैसे गुणा करते हैं, 1 1 जा 1 प्लस माइनस 1 डेल्टा बी अपॉन बी जा डेल्टा बी अपॉन बी गुणा करते हैं ना, पहले इसका इन दोनों में फिर इसका इन दोनों में। तो पहले 1 का किया मैंने इसमें, फिर 1 का किया इसमें, अब डेल्टा ए अपॉन ए का करूँगा इसमें तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। और इधर जो है जब इसका इसमें करूँगा तो डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी ऐसा आ जाएगा। अच्छा, आप इतना तो जानते ही हैं कि डेल्टा ए जो है बहुत सूक्ष्म सी है, त्रुटि जो है वो एक सूक्ष्म चीज़ है, बहुत कम होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो स्केल से अगर कोई भी चीज़ नापेंगे, मान लिया 15 सेंटीमीटर है तो 15 प्लस माइनस 0.1 आप लिखते हो। क्यों? क्योंकि स्केल में 0.1 सेंटीमीटर की जो है अनिश्चितता होती है। ये मैंने आपको बताया था 15.1 से 15.2 के बीच में आपको कुछ नहीं पता है तो ये अनिश्चितता है। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी जो है वो बहुत छोटी नंबर होंगे, तो जब दो छोटे नंबर होते हैं तो उनका गुणा और छोटा होता है। जैसे मान लिया 15 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है और दूसरा है 20 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये ए समझ लो ये बी समझ लो, तो ये डेल्टा ए होगा ये डेल्टा बी होगा। अब डेल्टा ए डेल्टा बी दोनों कम कम है, 0.1 गुणा 0.1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0.1 गुणा 0.1 हो जाएगा 0.01। इसकी बात कह रहा हूँ मैं अपॉन ए बी, ए कितना है 15 और बी कितना है 20, तो 15 20 300। अब देखो 0.01 बटे 300 बहुत छोटा नंबर होगा कि नहीं, ये बहुत छोटा नंबर होगा। तो ऐसे छोटे नंबर जो बहुत छोटे हैं अगर कहीं जोड़ घटाने में आते तो हम उनको छोड़ सकते हैं, तो इसको तो हमने बिल्कुल छोड़ दिया, ये नगण्य हो जाएगा, नगण्य ये वाला। और ये 1 से ये 1 कट जाएगा। अब क्या रहा, प्लस माइनस डेल्टा वाई बट्टे वाई
बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए बट्टे ए प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टे आपको याद होगा डेल्टा वाई तो वाई में त्रुटि है, डेल्टा ए में त्रुटि थी, डेल्टा बी बी में त्रुटि थी, लेकिन डेल्टा ए अपॉन ए क्या है, इसको कौन सी त्रुटि कहते हैं? ये तो औसत त्रुटि है नापन में और ये मान है, तो औसत त्रुटि बट्टे जो ट्रू वैल्यू थी उसको हम कहते थे सापेक्ष त्रुटि। अगर आपको याद हो, आपको मैंने बताया है सापेक्ष त्रुटि, त्रुटि प्रतिशत त्रुटि बताई है मैंने आपको। अगर आप उस उधर अपना ध्यान ले जा सको तो डेल्टा ए अपॉन ए को हम कहेंगे सापेक्ष त्रुटि इन ए, डेल्टा बी अपॉन बी को हम कहेंगे सापेक्ष त्रुटि इन बी, डेल्टा वाई अपॉन वाई को हम कहेंगे सापेक्ष त्रुटि इन वाई। तो आप देखिए गुणा में हमारे को जो संबंध मिला है वो सापेक्ष त्रुटि के संबंध में मिला है। तो अब इस पूरे को देख के क्या मैं ये कह सकता हूँ कि y में अगर y बराबर a गुणा b है, y बराबर अगर a गुणा b है तो y में जो सापेक्ष त्रुटि है अधिकतम अधिकतम मान अधिकतम आपको याद है अधिकतम में हम अधिकतम डेल्टा y अपॉन y की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन, यानी कि अगर y बराबर a इंटू b है तो y में सापेक्ष त्रुटि a में सापेक्ष त्रुटि और b में सापेक्ष त्रुटि का योग होती है। एक रिलेशन ये आया हमारा गुणा वाले मामले में। अगर मैं 100 से गुणा कर दूं पूरे को, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर यही सूत्र प्रतिशत त्रुटि में बदल जाएगा। देखिए कैसे, डेल्टा वाई अपॉन वाई गुणा 100 बराबर डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100, और इसको हम कहेंगे वाई में प्रतिशत त्रुटि अधिकतम वाई में, अगर y a इंटू बी है तो y में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि एक a में प्रतिशत त्रुटि और b में प्रतिशत त्रुटि का जोड़ होगी। a में प्रतिशत त्रुटि, a में प्रतिशत त्रुटि धन b में प्रतिशत त्रुटि है, ये आ गया। अब इसका एक एग्जाम्पल हम करते हैं, चलिए गुणा वाला का, क्योंकि हमने जोड़ का भी एक एग्जाम्पल किया था, गुणा का भी एक एग्जाम्पल करते हैं। प्रश्न है एक आयत की लंबाई बराबर है 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 तथा चौड़ाई 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल का मान उचित त्रुटि सहित बताइए, उचित त्रुटि सहित बताओ। अब देखिए आप जानते हैं कि क्षेत्रफल जो है बच्चों गुणा करके आता है, क्षेत्रफल ए बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई में त्रुटि है 0.1 की, चौड़ाई में त्रुटि है 0.1 की, तो कैसे निकालें? अच्छा त्रुटि को छोड़ देते हैं अभी, पहले लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 10 गुणा 5, 50 सेंटीमीटर का वर्ग, ये तो आ गया हमारा क्षेत्रफल। अच्छा अब चलिए, क्योंकि ये गुणा वाला मामला है तो हम जानते हैं गुणा में क्या होता है,
ये सूत्र बनता है, डेल्टा ए अपॉन ए बराबर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यही तो है गुणा का सूत्र त्रुटि का। अब ए हमारा 50 है, डेल्टा ए हमारा हमें पता नहीं है, ए 50 है, डेल्टा एल कितना है 0.1 और एल है 10 प्लस डेल्टा बी है हमारा 0.1 और ये है 5। तो जो है ऐसा करते हैं इन दोनों को भी बट्टे को 50 बना लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन 50 बराबर, इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 0.5/50 प्लस इसको 10 से गुणा कर देते हैं 1/50। तो बच्चों ये आ गया डेल्टा ए बटे 50 बराबर, यहाँ 50 एलसीएम आ जाएगा, 1.5/50 ये कट जाएंगे, तो डेल्टा ए बराबर बच्चों आ गया 1.5। तो बस क्षेत्रफल हमारा निकल गया, क्षेत्रफल था 50 और त्रुटि आई क्षेत्रफल में 1.5 की, तो मैं आंसर लिखूंगा। अतः क्षेत्रफल बराबर 50 तो आंसर है प्लस माइनस 1.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो है हम क्षेत्रफल को लिखेंगे, ठीक है। अगर एक तरीका तो यह है कि हमने डेल्टा ही निकाल लिया, एक तरीका और दूसरा भी है, वो दूसरा तरीका क्या है देखिए, ए में ए का वैल्यू हमारे को पता लग गया। अब मैंने आपसे कहा था ए में प्रतिशत त्रुटि, ए में प्रतिशत त्रुटि बराबर एल में प्रतिशत त्रुटि धन बी में प्रतिशत त्रुटि भी होता है। अच्छा ए में प्रतिशत त्रुटि हमारा आंसर आ जाएगा, एल में प्रतिशत त्रुटि कितने की है, एल में त्रुटि है 0.1 की बट्टे 10 गुणा 100। इसी प्रकार से बी में प्रतिशत त्रुटि है 0.1/5 गुणा 100, ये कितना आ गया, 100 को 0.1 से गुणा करूँगा 10 हो जाएगा 10/10 एक धन, यहाँ 100 को 0.1 से गुणा करूँगा 10/5 दो, तो 3% की त्रुटि आ गई ए में। तो मैं आंसर को दूसरे ढंग से प्रतिशत त्रुटि के पदों में देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ। अतः क्षेत्रफल बराबर 50 प्लस माइनस, पहले हमने त्रुटि लिख दिया, प्लस माइनस 3% सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मान त्रुटि जो है परसेंट में लिखी है, वहां पर हमने सीधे त्रुटि का अधिकतम मान लिखा है। तो इस प्रकार से बच्चों गुणा का जो है प्रश्न इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अब आता है इसमें भागा वाला, चौथा केस है y बराबर अगर a बट्टा b हो तब मान लिया a में त्रुटि डेल्टा a की है, b में त्रुटि डेल्टा a की b की है, इसलिए y में त्रुटि इससे डेल्टा y की आ गई, a में त्रुटि डेल्टा a की है, b में त्रुटि डेल्टा b की है और इस कारण y में। इधर मैंने फिर वैसे जैसे पिछले बार लिया था एक कॉमन ले लिया है, ये डेल्टा वाई बट्टे वाई, यहाँ मैंने ए कॉमन ले लिया, क्योंकि वाई बराबर ए बट्टा बी है तो वाई बराबर ए बट्टा बी, तो ये कट गए वाई। अब हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बटे,
और इधर ये तो ऐसे रहा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। इसको बच्चों में जो ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की घात ऋण 1 हो जाएगा। आप जानते हैं किसी चीज में बट्टे अगर हर में कोई वस्तु है जब उसको अंश में ले जाते तो उसकी घात ऋण 1 हो जाती है, तो यही हमने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए ये जो माइनस वन है ये एक प्रकार का एक वो बन गया फॉर्मेट। अगर 1 + x^n होता है तो इस चीज ये भी इसी प्रकार का है, x की जगह डेल्टा बी अपॉन बी है बस। अगर 1 + x^n होता है तो बच्चों इसको हम ऐसे लिखते हैं विस्तार करके, इसको कहते हैं द्विपद प्रमेय सूत्र। द्विपद प्रमेय सूत्र है, इस सूत्र को आप लिख लीजिए कहीं पे। 1 + nx + n (n-1) x² बट्टे फैक्टोरियल 2। ये देखिए एक अजीब सा नाम है, फैक्टोरियल 2 कहते हैं इसे। ये 2 है, इसके आगे एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो कितने हो गए 3 पद हो गए। 1 + x^(n-1) + nx + n(n-1) x² / (n(n-1) (n-2) x³ / (3). इस प्रकार से आता ही जाएगा आगे। तो अब अगला पद क्या होगा, (n(n-1) (n-2) (n-3) × (x^4) / (4). ऐसे करके हम इसका विस्तार करके लिख सकते हैं। ये x की घात इसमें बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। अब इसमें जो है ऋण घात 1 है, n की जगह ऋण 1 है। तो इसी प्रकार से जब मैं इसका विस्तार करूंगा यही सूत्र लगा के, इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए, 1 + (d·b/d) / (1) तो आएगा 1 + (-), ये जो प्लस माइनस है मैंने ऐसे लिख दिया, (n(x) (n) = -1) (x) (x) की जगह ये आ जाएगा (d·b/d). तो ये 2 पद हो गए, 1 + nx हो गया (+n(-1) (n-1) (-1) (-1) (-1) (2) और (d·b/d)² और ऐसे आगे को बढ़ता जाएगा। मुझे लग रहा है आपको ये ये मैंने इसका विस्तार किया है, 1 + (-1) का विस्तार है। तो x की जगह (d·b/d) और n की जगह ऋण 1 है, तो 1 + (-nx) (n) ये आ गया और x की जगह ये आ गया, (+n(-1)(n)(n-1)/(2) x² क्या है (d·b/d). इसके बाद ऐसे ही -1 - (-1) - (-1) - (-2) / (3) (d·b/d³) ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखना है, डेल्टा बी मैंने आपको बताया था पहले ही
कि डेल्टा बी जो है एक बहुत छोटा सा नंबर है, डेल्टा बी इज अ वेरी स्मॉल नंबर। क्यों डेल्टा बी? क्योंकि डेल्टा बी त्रुटि है और त्रुटि बहुत छोटी होती है, त्रुटि बहुत छोटी होती है, त्रुटि बहुत छोटी होती है बच्चों। तो डेल्टा बी अपॉन बी जो है इसका जो स्क्वायर है, इसका जो क्यूब है, किसी भी छोटे नंबर का जब बहुत स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। इसलिए ये वाली टर्म हमारी हम छोड़ देंगे, केवल ये दो ही टर्म हम लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाकी जितनी भी टर्म आएंगी वो सब नगण्य हो जाएंगी, छोटी होंगी। क्यों छोटी होंगी? क्योंकि उनमें डेल्टा बी अपॉन बी की हाई पावर होंगी, समझ गए? तो हाई पावर वाले टर्म को इसलिए इसकी जगह में, इस पूरे की जगह में ये लिख सकता हूँ बस। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आ जाएगा, वन प्लस माइनस, ये माइनस का गुणा भी कर दूं तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रहेगा तो दोनों ही डेल्टा बी अपॉन बी। अब देखिए आप इस सूत्र को देखिए, ये बिल्कुल गुणा वाला ही रूप में आ गया है फिर से, यानी कि जो अपॉन में वन प्लस डेल्टा बी अपॉन बी था वो भी फाइनली अब कहाँ आ गया है? जो गुणा वाला था, जो भागा में जो था, ये वाली टर्म ये भी ऊपर आ गई और फिर से ये गुणा वाला ही बन गया। इसका मतलब भागा वाले में भी जो, अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं इसके बाद, फिर मैं इसको ब्रैकेट्स को गुणा कर दूंगा और फिर लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में मेरे पास वही आ जाएगा, डेल्टा वाई बटते वाई बराबर डेल्टा ए बटते ए प्लस डेल्टा बी बटते बी। इसका मान चाहे गुणा हो, चाहे y बराबर a इंटू b हो या a अपॉन b हो, त्रुटि का सूत्र यही रहेगा। त्रुटि का कोई नया सूत्र हमारे पास नहीं है, त्रुटि का सूत्र वही रहेगा, चाहे a इंटू b हो चाहे। तो इस प्रकार से आपको मैंने गुणा भागा जोड़ घटाने सब में त्रुटियों का सूत्र बता दिया है। आप इसको याद कर लें और एक बार समरी बता देता हूँ। अगर y बराबर a धन b है तो y में जो त्रुटि होती है डेल्टा y, वो a प्लस डेल्टा b होती है। अगर y बराबर a माइनस b है तो भी y में त्रुटि a प्लस b ही हम लेते हैं। का कारण मैंने कहा था हम अधिकतम त्रुटि लेते हैं। अगर y बराबर a इंटू बी है तो हमारे पास सूत्र है डेल्टा y बराबर डेल्टा a बटे a धन डेल्टा b बटे b। और अगर y बराबर a अपॉन b है तब भी डेल्टा y बराबर y डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन। इसी प्रकार से अगर y बराबर a की पावर n, b की पावर m और c की पावर p है तो बच्चों डेल्टा y अपॉन y बराबर, इसमें देखो कुछ गुणा में है कुछ भागा में है और भागा गुणा सब एक ही हो जाता है, तो जाएगा n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a प्लस m टाइम्स डेल्टा b अपॉन b m टाइम्स प्लस p टाइम्स
डेल्टा सी अपॉन सी, ये भी हम सूत्र को इसी प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक, जो लास्ट वाला है, ये जो डेरिवेशन है ये गुणा और भागा से, गुणा में यहाँ पर एक ए है एक बी है ना, यहाँ पे बी की पावर एक है, एक ए की पावर एक है, तो यहाँ एक एक आ गया, यहाँ भी ऐसे ही था, लेकिन यहाँ ए की पावर एन है तो एन टाइम्स आ जाएगा, बी की पावर एम है तो एम गुना, और सी की पावर पी है तो पी टाइम्स। इस तरीके से हम बच्चों त्रुटियाँ निकालते हैं, और इस प्रकार से ये जो चैप्टर है हमारा त्रुटि वाला ख़त्म हो गया। अब हम जो है आगे से हम गति वाले पाठ के बारे में आगे को पढ़ेंगे।